अस्सलामुअलैकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रीम के बारे में जिसको यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा कोई खुश होने वाले हैं, क्योंकि ज़बरदस्त क्रीम है ये, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, ब्राइटन अप करेगी और लाइटन अप करेगी। जब आप इसको यूज़ करेंगे आप खुद बोलेंगे कि वाह क्या चीज़ बना ली हमने, और इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपने बॉयल्ड पोटैटो ले लेना है, ठीक है, आलू, और मैश करना है इसको अच्छे तरीके से, और इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। मेरे में थोड़े से थे क्योंकि मुझे ज़ाहिर वीडियो बनानी थी तो जल्दी जल्दी काम करना था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी अपनी पूरी। 1 टेबलस्पून पूरा भर के आपने आलू लेना है और उसको मैश कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लूँगी 1 टीस्पून कॉफ़ी। इस साशे के अंदर जितनी है आपने सारी ले लेनी है, 1 टीस्पून ही निकलेगी। बेहतरीन चीज़ें हैं आपकी स्किन के लिए आलू जो है। इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है ये, और आपकी स्किन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देगा। और आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि आलू ने आपके फेस के लिए क्या क्या कोई ज़बरदस्त काम कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉफ़ी जो है वो इंस्टेंट आपको ब्राइटनेस देती है। कॉफ़ी मैं बहुत सारी अपनी रेमेडीज़ में यूज़ करती हूँ, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन को स्क्रब करती है। इसके अलावा एक्सफोलिएट करती है और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है और रीजनरेट करती है सेल्स को, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो बहुत ही एक बेहतरीन आपके स्किन को, आपके फेस को टेक्सचर मिलेगा और इंस्टेंट आपको ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा मॉइस्चराइज स्किन को करने के लिए हम बाकी इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले अब जो हम डालेंगे वो है ग्लिसरीन। नेचुरल एलिमेंट है ये, ठीक है, इससे आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। ये स्किन को जो है वो मॉइस्चर देती है, इसके अलावा हाइड्रेट करती है स्किन को, जो ड्राइनेस स्किन पे रह जाती है। इवन दो अगर सोराइसिस है उसके लिए भी अच्छी है ये, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं लगाना है। इसके बाद हम कोकोनट ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून। क्वांटिटी आपने यही रखनी है, ये 1 वीक का है और किस तरह यूज़ करना है मैं बाद में बताऊंगी। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन हम डालेंगे विटामिन ई का 1 कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल की बॉटल है तो आप वो 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी स्किन के स्कार्स जो होते हैं उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको जो है वो श्रिंक करता है, ठीक है जी। यहाँ पे अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल मिल जाएँ। अब सर्दियों के मौसम में हमारी जो स्किन इतनी ड्राई हो गई है, इसके लिए हमने इसके अंदर ग्लिसरीन डाल दी है, इसके अंदर हमने कोकोनट ऑयल डाल दिए, विटामिन ई ऑयल डाल दिए, जिससे आप जो आपकी स्किन को बेहतरीन तरीके से मॉइस्चराइज करेगी और आपको एक बहुत ही कोई ज़बरदस्त ग्लो भी मिलेगा आपके फेस पे। जब आप इसको पहली मरतबा यूज़ करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि वाह क्या चीज़ हो गई है, कमाल, कोई मैजिक बन गया है। लेकिन आपने इसको ऑल्टरनेट डेज़ पर यूज़ करना है, रेगुलर नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर पोटैटो है। कुछ लोगों को पोटैटो सूट नहीं करेगा, अगर सेंसिटिव स्किन वालों को खास तौर पे, तो आप इसको अल्टरनेट डेज ही यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। पैच टेस्ट आपने हर चीज़ का हमेशा करना है, और इसको आप स्टोर करेंगे फ्रिज में, और ये सिर्फ 1 वीक ही यूज़ करना है आपने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो कंटेनर है वो ड्राई हो, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई पानी या कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे आपकी ये क्रीम ख़राब हो जाए, और आप इसको स्टोर करेंगे फ्रिज में। सेकंड ये कि जब आपने इसको यूज़ करना है आप 1/2 टीस्पून इसमें से क्रीम लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और उसको बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। सेकंड आपने क्या करना है कि उस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करना है, पहले 5 मिनट तक अच्छे से इसको मसाज करें, ठीक है। देन इसको 10 मिनट तक अपने फेस पर लगा रहने दें और छोड़ दें ऐसे ही। देन आप इसको क्या करेंगे, ये देखें, आपको मैं कंसिस्टेंसी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये इस तरह से फेस पे अप्लाई नहीं होगा, इसके अंदर पानी ऐड करना ज़रूरी है। अगर हम पानी ऐड करके इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए जब यूज़ करना है तब थोड़ा सा पानी ऐड करना है कि ये पेस्ट की क्वान्टिटी में आ जाए, और इसको 10 मिनट के लिए लगा रहने दें, छोड़ दें, और देन इसको वॉश कर लें मसाज करके, और फिर आप अपने फेस पे जो है वो एक कमाल का ग्लो देखेंगे, मैजिक देखेंगे, इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बेहतरीन तरीके से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी, जो आपकी स्किन पे डार्क
स्पॉट्स हैं उसको ये मिनिमाइज़ करेगा, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करेगा। आप इसको एक हफ़्ते के लिए यूज़ करें, देन आप इसको अल्टरनेट वीक्स पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आप रेगुलरली यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है ब्लीचिंग एजेंट है पोटैटो, तो आप इसको डेली ना यूज़ करें तो बेहतर होगा। लेकिन आप मुझे इसको रिव्यू करेंगे लाजमी, और अल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है, डेली नहीं करना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।